हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। सर डे हाई बना रहे हैं, उनमें अल्ट्राटेक सीमेंट लेकर आइए, जरा एक बार ग्रासिम लेकर आइए। दो स्टॉक्स जो अभी अभी फ्रेश जिन्होंने मूव दिखाया है, स्टॉक्स आईटी में तेजी है। और अब नेक्स्ट स्टॉक जो इस कड़ी में जुड़ रहा है वो है विप्रो। एक बार विप्रो का इंटरडे चार्ट लेकर आते हैं। विप्रो ध्यान रखिए आईटी में सबसे वीक रहा है, सबसे वीक, इनफैक्ट 52 वीक लो भी बनाया था इसने स्टॉक ने रिसेंटली। और यहाँ से एक अच्छा मूव इस समय स्टॉक में, लेकिन प्रॉब्लम है मार्केट के लिए आज HDFC ट्विंस, दोनों के दोनों स्टॉक्स अब इस समय डीलो की ट्रेजेक्ट्री में, और ये यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम। और एक एशियन पेंट्स, अमित जी एक बार जरा एशियन पेंट्स का लॉन्ग टर्म चार्ट देखकर बताइए, ये जो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गया है स्टॉक, ये कब तक रहने वाला है यहाँ पर? जी अनु जी, अगर एशियन पेंट्स का हम स्ट्रक्चर देखें, अगर स्ट्रिक्टली डेली चार्ट्स के परस्पेक्टिव से बात करें, तो एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिसका नीचे में हम देख रहे हैं इसका लेवल इज अराउंड 2700 और ऊपर में 2800। तो मुझे लग रहा है स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर वीकली स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है कि काफी एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे अवेलेबल है। पिछले 7 से 8 वीक्स का लो लगभग 2700 का है, ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से नहीं, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से लेना चाहे तो थोड़ा बहुत इसमें SIP किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2650। और जैसे ही ये स्टॉक कंसोलिडेशन से मुझे निकलेगा, मुझे लगता है कि एक अच्छा इसमें अप्रूव बनेगा। सारी पोजिशन इसमें नहीं बनानी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत SIP के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस लेवल।